हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के। इस समय मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है समर इंटर्नशिप 2024 का यूजी स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स दोनों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दोनों के लिए यहाँ पे समर इंटर्नशिप 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से एरियाज़ में इंटर्नशिप करने करने का ऑप्शन है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से एरियाज़ में इंटर्नशिप करने का ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें एक मोटिवेशन भी रहता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो ये आप ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें। और यहाँ पे देखिए, ये समर इंटर्नशिप 2024 फॉर यूजी कैंडिडेट्स के लिए ये है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स में सेलेक्ट अ फैकल्टी मेंटर डिपेंडिंग अपॉन द मैच ऑफ देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करने से आपको फैकल्टी मेंटर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ में समर इंटर्नशिप 2024 यूजी स्टूडेंट्स के लिए कराई जा रही है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक कर लीजिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए हैं, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर हेमचंद झा सर के अंडर में रोल ऑफ पैथोजन इन गैस्ट्रिक कैंसर एंड वायरस इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम होता है और इस एरिया में आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। प्रोफेसर प्रशांत कोटगिरे सर के अंडर में यहाँ पे इतने एरियाज, डॉक्टर किरण बाला मैम के अंडर में ये है, डॉक्टर हितेंद्र कुमार सर के अंडर में ये, और डॉक्टर मिर्जा एस बेग सर के अंडर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड ड्रग डिस्कवरी। इसके अलावा डॉक्टर लोकेश सर और डॉक्टर सौरभ चंद्रा सर के अंडर में भी यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एरियाज़ के स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं और अलग अलग एरियाज़ में चेकआउट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जाऊँ तो ये मेरे पास दूसरा भी लिंक है। यहाँ पे देख सकते हैं समर इंटर्नशिप 2024 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस आउट कर गया कि ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आपको फैकल्टी मेंटर्स और कौन कौन से एरियाज़ में इंटर्नशिप हो रही है उसके बारे में बताने लगा था। अब ड्यूरेशन के बारे में बात करता हूँ, तो मिनिमम एक महीने की ड्यूरेशन है और मैक्सिमम दो महीने का ड्यूरेशन यहाँ पे है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी यूजी इंटर्नशिप की, आपको एक बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की विद द रेलिवेंट यू जी प्रोग्राम एंड शुड हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन 10+2 विद फर्स्ट डिवीजन। करेंट सी जी पी ऑफ द स्टूडेंट टिल द लास्ट सेमेस्टर शुड बी इक्वेलेंट टू फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन आपकी मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे फीस लग रही है, तो ज़्यादातर आई आई टीज में हमने देखा था कि फीस नहीं लग रही है, बट आई आई टी इंदौर में 2500 पर मंथ पर यू जी स्टूडेंट यहाँ पे फीस लग रही है। जब आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अकोमोडेशन के बारे में बात करें तो अकोमोडेशन एज पर हॉस्टल अवेलेबिलिटी एंड रूल्स फॉर अकोमोडेशन रिक्वेस्ट प्लीज़ राइट टू चीफ वार्डन। यहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस की बात करें तो 3000 रुपये पर मंथ प्लस 12% GST आपको देना पड़ेगा। फूड चार्जेस की बात करूँ तो एज़ पर एक्चुअल्स एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग जो है वो May 10, 2024 है। बाकी कोई भी कॉन्टैक्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म भी है, इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूजी की डिटेल्स। अब आते हैं पीजी में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास पीजी की भी लिंक है। ये दोनों ही लिंक्स मैं एक साथ पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, अब जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो रोल ऑफ पैथोजेंस इन गट ब्रेन एक्सेस एंड कैंसर ट्रीटमेंट थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये डॉक्टर हेमचंद्र झा सर के अंडर में है। इसके अलावा काफ़ी सारे साइंटिस्ट का सेम एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।
अगर आप इंटरेस्टेड है तो ठीक है। तो ये बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की डिटेल्स हुई। वापस यहाँ पर पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी 1 महीना मिनिमम और 2 महीना मैक्सिमम कर सकते हैं ट्रेनिंग। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम टू सेम है। पीजी स्टूडेंट आप बोनाफाइड होने चाहिए, करेंटली पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, 60% मार्क्स आपकी या फर्स्ट डिवीजन यूजी प्रोग्राम में आपका होना चाहिए। यहाँ पे फीस ज़्यादा है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ पीजी फर्स्ट टू पीजी स्टूडेंट को आपको देना पड़ेगा। और इन केस अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 3,000 रुपये पर मंथ प्लस 12% GST आपको देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है। गूगल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डिपेंडिंग अपॉन आप आपकी आपने क्या पढ़ाई की हुई है, यूजी या पीजी, आप उस तरीके से लिंक पे क्लिक करके फिर फॉर्म फिल करिएगा, पेमेंट करिएगा और उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरीके से या किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा या कैसा होगा, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं। ठीक, गूगल फॉर्म पे हाँ क्लिक करके अगर हम लोग देख सकते हैं तो गूगल फॉर्म ये है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये वाला गूगल फॉर्म भरना है और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।